अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेथी के मुटके बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे नारियल का दूध निकाल के लिया हूँ। ये पतला वाला है और ये गाढ़ा वाला है। ये एक वाटी है और ये चावल का आटा, डेढ़ कप चावल का आटा है। ये आधा कप है चावल का, ये भी चावल का आटा है, ये भी चावल का आटा है। इसकी हम पिट्टी बनाएंगे और इसके हम मुटके बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम गुड़ ली हूँ, देख सकते हैं आप, खड़े वाला है। अच्छा ऐसा गुड़ लेना है कोई भी चीज़ बनाए तो। और नमक है 2 चुटकी। और यहाँ पर मैंने मेथी का पाउडर बना के ली हूँ, ये 2 चम्मच है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच ली हूँ। ये मैंने पतला वाला दूध इसमें ऐड की हूँ, साथ साथ मैं गुड़ भी ऐड करूँगी इसके अंदर। उसको अच्छे से गुड़ को मिक्स होने देंगे, इसके अंदर अच्छे से पिघला के लेंगे। ये पतला वाले दूध में मैंने गुड़ को ऐड किया है। ये मैंने 1.5 कप चावल कट्टा ली हूँ, इसमें मैं 1 चम्मच मेथी पाउडर ऐड करूँगी। आपको ज़्यादा पसंद है, अगर आपके पास आटा मेथी का मिक्स केला है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा सिंपल से बता रही हूँ कि आटा और अलग अलग से पाउडर भी बना के ले सकते हैं। ऐसा अच्छे से मिक्स करके लेंगे इसको। हमारा गुड़ पकता है तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अच्छे से पिघल चुका है इसमें, इसमें नमक ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स होने देंगे। और इसमें कई 2-3 चम्मच पानी हम देंगे आटे पे डालने के लिए। मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये मेथी का और चावल का आटा है, इसमें मैं ये थोड़ा तो 2 चम्मच ली हूँ मैंने। गर्म है इसलिए मैं चम्मच से मिक्स करके ले रही हूँ। फिर हम हाथ से इसको करेंगे सही से। फिर सब डालूँगी मैं, 2 चम्मच है ये चम्मच से, बड़े चम्मच से ली हूँ मैंने। और लगेगा तो हम और डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से इसके मुटके बना के लेंगे। ये वाले चम्मच मैंने ली हूँ। मिर्चा 4 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, गुड़ का पानी। और अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। गरम है, हल्के हल्का थोड़ा सा पानी लगा के हम इसको अच्छे से मल के लेंगे। थोड़ा पानी लेके, थोड़ा सा हाथ पे पानी लेंगे और इसको अच्छे से मल के लेंगे हम। आटा गूंथते हुए ऐसा अच्छे से इसको गूंथ के लेना है। अच्छा मिट्टा पानी गुड़ का अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा फीका लग रहा है, मैं इसमें ऊपर से शक्कर ऐड करूँगी इसके अंदर, ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए, मिट्टा मिट्टा हो जाए। इसको भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे, शक्कर को इसके अंदर। आप पहले भी डाल सकते हैं। आटा थोड़ा फीका लग रहा था गुड़ के पानी से, मैंने शक्कर ऐड किया इसके अंदर। ये और गुड़ के अंदर पकाने का है तो और मीठा हो जाएगा। ये अच्छे से पकेंगे तो और अच्छे लगेंगे मीठे।
मेथी के मुटके। ये मुझे रिक्वेस्ट थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छे से मल के लिए मैंने इसमें शक्कर अच्छे मिक्स हो गई है। ये मैं छोटे छोटे इसे, आपको बड़े चाहिए तो बड़े बना सकते हैं, आप छोटे मुटके चाहिए तो छोटे बना सकते हैं। हाथों की मदद से ऐसा करके सही करके उसको उंगलियों से थोड़ा हाथ को पानी लगा के ऐसा उसको ऐसा शेप देना है, देख सकते हैं। इसे उसको मुटके बोलते हैं, इसे मुट्ठी में उसको दबा के ऐसा शेप देते हैं, इसलिए मुटके बोलते हैं उसको। आपको कितने बड़े बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। ऐसे ही सब बना के लेंगे, थोड़ा सा हाथ को पानी लगा के ऐसा उसको शेप देना है। ऐसे ही सब बना के लेंगे। हमने ऐसे ही मुटके बना के लिए पूरे, और ये दूसरा आटा लूँगी मैं यहाँ पर जो आधा कप ली थी वो, और उसमें भी ये मेथी का ही पाउडर ऐड करूँगी। और इसमें भी हम एक क्वाटी पानी डाल के इसको इसका अच्छा सा पतला पेस्ट बनाना है, और पानी डालूँगी इसके अंदर। वाटी पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करके इसका पेस्ट बना के ली हूँ। ये गुड़ का पानी है, इसमें मैं ये मुटके इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको थोड़ा पकने देंगे। इसमें मैं इसको 15 मिनट ऐसे ही पहले पका के लेंगे, फिर उसमें हम आटा ऐड करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़े से पक चुके हैं। इसमें मैं ये जो आटा, आटे के अंदर मैंने पानी ऐड की थी, ऐसे इसको हिला के हम सो देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। हम थोड़ा और पानी डाल के इसको थाली धो के ये पानी ये भी ऐड करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये मैं इसमें हल्दी नहीं ऐड की हूँ, इसका गुड़ का कलर अच्छा है इसलिए मैंने हल्दी नहीं ऐड की। फीका सफ़ेद गुड़ रहता है तो उसमें हल्दी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको और पकने देंगे आटे के अंदर, इसमें मैं पानी डाल के ये सब अच्छे से, और हम पका के लेंगे इसको 10 मिनट। अच्छे से पका के लेना है इसको, अच्छा बार धीमी आँच पे इसको रखना है और इसको पकते ही रखना है थोड़ा देर। 15-20 मिनट भी रखेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा इसको। ये कोकनी रेसिपी है और सिंपल रेसिपी है। यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो लाइक करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की लाइक आती है तो दिल को खुशी मिलती है। हमारे मुटके बन के तैयार है, देख सकते हैं अच्छे से पक चुके हैं ये, और इसकी ये पिट्टी भी अच्छे से बनी है, मीठी मीठी। ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैं नारियल का ये गाढ़ा वाला दूध ऐड करूँगी ऊपर से, तो और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम गैस कुक करेंगे बंद। थोड़ा सा इसको और एक बॉईल आने देंगे और गैस बंद करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है। अभी मैं इसमें सर्व करूँगी इसको, ज़रा एक बॉईल आने देंगे। और लड्डू बिड्डू बनाने के लिए आप ऐसा जाड़ा वाला नारियल यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो मैं टिप्स दे रही हूँ, या ऐसे वाले जाड़ा ऐसा नारियल यूज़ करो। 1 किलो को 4 नारियल ही यूज़ करने का, तो लड्डू अच्छे बनते हैं। लड्डू के लिए, मिठले के लिए आप ऐसा नारियल यूज़ करो। लड्डू की, मिठले की ये मैं वीडियो डाली हूँ, आप चाहिए तो लिंक बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक बॉक्स में है। इसको अभी मैं सर्व करती हूँ। मैंने यहाँ मेथी के मुटके सर्व की हूँ, देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बने ये।
ऐसा सखाते हैं चम्मच से लेके, और अच्छे लगती है ये मेथी की। अगर आपको फिक्की वगैरह लगती है तो आप इसमें और गुड़ ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं ज़बरदस्त बनी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।